तस्वीर भी हम यहाँ देख रहे हैं, ये उदाहरण उन तमाम युवाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो चाहते हैं कि वो भागीदारी दें राजनीति में आकर उसे बदलने का, जो एक तरह से पूरा परिदृश्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। शुरुआत में बांसुरी जी आपसे ही करना चाह रही हूँ, शगुन परिहार जी भी आपके साथ बैठी हैं, और आप दोनों एक जीता जाता उदाहरण है, जैसा कि सृष्टि कह भी रही हैं। ये जो भागीदारी है ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है महिलाओं के लिए, कैसे देखते हैं इसे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे न्योता दिया, और आपका डबल धन्यवाद कि आपने मुझे शगुन जैसी शख्सियत के साथ यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त करा है। देखिए, ये जो भागीदारी है और ये मैसेज है, बिल्कुल महिलाओं को भी और युवा को भी, पर मुझे लगता है इसकी नींव तो 16वीं लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही रख दी थी। आप भी जानती हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 27 बरस पुराना जो विघ्न था महिला आरक्षण में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरा, सर्वसम्मति से हरा, और आप जानते कि इससे पहले भी बहुत कोशिश हुई थी लेकिन वो नहीं हो पाया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुनिश्चित कर दिया, और अब महिलाएं भारत की भाग्य विधाता भी बनेंगी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ेगी। मैं जानती हूँ कि जो अगली लोकसभा है उसमें 33% महिलाएँ होंगी ही होंगी, ये सुनिश्चित हो गया है। बिल्कुल बांसुरी जी, जैसा आपने कहा, और ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है, खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी की बात करें हम भारतीय राजनीति में, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ी हुई दिखी थी, लेकिन जैसा हमने कहा कि एक उदाहरण बीजेपी की ओर से पेश किया गया। शगुन परिहार जी भी हमारे साथ में है, एक तरीके से कहा जाए तो जो जीत आपने अभी हासिल की है जम्मू कश्मीर के चुनाव में, आप इकलौती महिला कैंडिडेट रही हैं और आपने किश्तवाड़ से जीत हासिल की, आपके परिवार का आतंकवाद का जो दंश है आपके परिवार ने भी उसे झेला है, उस चीज़ को हम दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन ज़रूर जम्मू कश्मीर में से निकलना, चुनाव लड़ना एक ऐसे माहौल में, क्या प्रेरणा आपको मिली इससे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे बोलने का अवसर दिया। स्पेशली इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मैं बांसुरी दीदी की प्रेजेंस में आज यहाँ आप सबके सामने बैठी हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आतंकवाद का जो तंज हमने झेला, ये अकेली शगुन परिहार नहीं है जिसने आतंकवाद को झेला है, जम्मू कश्मीर में ऐसी अनेकों बेटियाँ हैं जो इस आतंकवाद के प्रहार को झेल चुकी हैं। मैं अपने किश्तवाड़ के लगभग 95% एरिया कवर कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने हज़ारों बेटियाँ ऐसी देखी जिनको इस आतंकवाद का शिकार बनाया गया, जिनके सिर से पिता का साया छीना गया। तो केवल एक ये शगुन परिहार नहीं है, ऐसी बहुत सारी शगुन परिहार हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जो केवल और केवल इस आतंकवाद की वजह से शिकार हुई हैं। शगुन, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप वहाँ पर जब लड़ रही थी, वहाँ पर अगर डेमोग्राफी की बात करें तो बहुत अलग डेमोग्राफी है, आप देख चुकी हैं, और आपने जो सृष्टि कह भी रही थी कि एक तरह से दंश झेला है जो आतंकवाद का होता है, मुझे ये बताइए कि क्या उस दौरान जब आप कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन, कोई धमकी मिली आपको? किसी ने कहा कि चुनाव लड़ोगी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसा कुछ हुआ क्या? जी, धमकी तो नहीं कहूंगी, पर मैं दूर दराज जब क्षेत्रों में जाती थी, कई बार ऐसा कहा जाता था कि कहाँ लड़की को भेज दिया, कोई कुछ कर देगा रात को, क्योंकि मेरी कैंपेन मोस्टली रात के 3 बजे तक चल रही होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रिय रखा होता है तो उनके लिए अपना सेल्फ जो है वो मायने नहीं रखता, उनके लिए जो है अपना देश जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। तो उसी को प्राथमिकता जो लेके हम आगे बढ़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी यही विचारधारा है कि नेशन फर्स्ट जो है, हम नेशन को फर्स्ट रखते हैं, पार्टी सेकंड एंड फैमिली लास्ट। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे थे, और जहां जहां पे भी मैं गई वहां पे राष्ट्रीयता की भावना कुछ इस कदर थी कि अगर शगुन परिहार रात के 3 बजे किसी गांव में पहुंचती थी तो रात के 3 बजे पूरा का पूरा गांव शगुन परिहार के लिए जागा होता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए जागा होता था। तो उससे बड़ा मतलब मुझे खुशी का एहसास भी होता था कि मतलब किश्तवाड़ के लोग इतना प्यार अपनी इस बेटी को दे रहे हैं। ये शगुन, जैसा आपने कहा कि पूरा किश्तवाड़ जागा हुआ करता था, एक ये बदलाव भी था जो हमने देखा, बांसुरी जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जैसा शगुन ने बताया इनके अपने चैलेंजेस रहे हैं खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे विधानसभा में, और आपकी जर्नी बहुत अलग रही है, आपका एक पारिवारिक रिश्ता भी एक तरीके से कहा जाए, आपकी माता जी ने अपना पूरा जीवन भारतीय राजनीति को दिया है और एक सशक्त महिला के तौर पर बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश भी किया है। महिलाओं की भागीदारी आज की राजनीति में आप कैसे देख रहे हैं,
हैं, क्योंकि आप दोनों का जो एक्सपीरियंस कहा जाए या संघर्ष कहा जाए, स्ट्रगल कहा जाए, कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे, वो दोनों अलग है। देखिए, महिलाओं की भागीदारी का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तो बात मैं कर ही चुकी हूँ, क्योंकि वो तो एक नींव डालती है जहाँ पर सब राजनीतिक दलों को ये मैंडेटेड हो जाएगा, उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि हर उनको 33% महिलाओं को लड़वाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कई ऐसे राजनीतिक दल थे जो जानते थे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी ज़रूरी है, लेकिन इससे अपना हाथ ज़रूर खींचते थे तुष्टिकरण की राजनीति के कारण। रही बात जो महिलाएं हमसे पहले आई हैं, तो मैं आपको सच बताती हूँ, मैं नमन करती हूँ उन मातृशक्तियों को। They are the trailblazers who have ensured that they shatter through the proverbial glass ceiling. वो चाहे श्रीमती सुषमा स्वराज हो, माननीय स्मृति ईरानी जी हो, माननीय निर्मला सीतारमन जी हो, विजय राजे सिंधिया जी हो, उन सबके कारण ही, उनके प्रयासों के कारण ही मुझे लगता है शगुन और मैं, हम जैसे लोग आज यहाँ बैठे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगी मीडिया और सोशल मीडिया को। किसी भी मुद्दे के बारे में अवगत करवाना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इतनी सशक्त मातृशक्ति साक्षात बैठी हैं। मीडिया ने जिस तरह के इस मुद्दे को उठाया है, इन बातों को फैलाया है, उसमें फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। क्योंकि आप महिला शक्ति का जिक्र कर रही हैं, तो दिल्ली का जिक्र देखिए अब आने वाला है। दिल्ली में तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो तीन महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उनमें से बेस्ट कौन है आपके लिए? श्रीमती सुषमा स्वराज। अच्छा, मुझे अब बताइए। पर ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि क्योंकि वो मेरी माँ हैं। इसका रीज़न ये है, उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, उन्हें एकदम लास्ट में लाया गया था, लेकिन चुनाव प्रचार में मैंने ये देखा कि इतने छोटे समय में इतना ज़्यादा प्रभावशाली उनका कार्यकाल था कि माँ के प्रति जो स्नेह था वो आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरसा। और आप में उनकी झलक भी आती है, आज आप बता भी रही थी कि चंदेरी की साड़ी उनकी ही आप पहन कर आई हैं। जी, जो भी मुश्किल इम्तिहान होते हैं उसमें कोशिश यही करती हूँ कि माँ की साड़ी पहनकर ज़रूर आऊँ। तो मुझे बताइए, अब आतिशी जी के बारे में ज़रा बात करना चाहते हैं। आतिशी जी अब आई हैं और बहुत कम वक्त बचा है, सरकार बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रही है, और विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बांसुरी स्वराज खुद सवाल बहुत सारे पूछ रही हैं, तो क्या आतिशी जी अब कुछ बदल पाएंगी, ऐसा आपको लग रहा है? अगर नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, पर बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा लगता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी कुछ बदलना चाहती हैं। अभी दो दिन पहले का निर्णय ले लीजिए, उन्होंने MLAs का जो LED फंड है उसको 10 करोड़ बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इससे जो एडिशनल 350 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ उन्होंने दिल्ली पे लाद दिया है, क्या इसका प्रावधान दिल्ली के बजट में है? जी नहीं है। 31 साल में पहली बार, और आतिशी जी तो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, 31 साल में पहली बार दिल्ली के बजट को 7000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड जो मुनाफे में था वो 73000 करोड़ के नुकसान में आ गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, वापस बात करती हूँ ये MLA LED फंड की, कि भाई 350 करोड़ का ये आर्थिक बोझ आपने लाद दिया है, ये आएगा कहाँ से पैसा, और चुनाव से पहले ये करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप आंकड़े उखाड़ के देखें तो जो दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट में इस निर्णय का विरोध करा गया था, उसके बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया है। और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के MLAs ने 10 करोड़ रुपए में से केवल 2 करोड़ रुपया पिछले साल डेवलपमेंट काम में लगाया, यानी एग्जिस्टिंग फंड का आपने केवल 20% लगाया।